हमारे दिव्यांग भाई यहाँ आए हैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग बहुत उत्साह के साथ यहाँ आए हैं। उत्साह और उनकी प्रसन्नता भी जो है वो हम लोगों को मोहित कर रही है, हमको प्रेरणा दे रही है, हमको ऊर्जा दे रही है। और ख़ासकर उन वैज्ञानिकों को, मैं टेक्नोलॉजिस्ट को बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो विशेष रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम अपने दिव्यांग भाइयों को विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मदद कर सकते हैं। पिछले समय के अंदर बहुत सारे ऐसे विज्ञान दिव्यांग जनों के जीवन को बेहतर बनाने वाले ऐसे उपकरण, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी टेक्नोलॉजीज विकसित किए हैं हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ने। लेकिन इस दिशा में निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। और कैसे हम दिव्यांग जनों के जीवन को और अधिक से अधिक बेहतर बना सकते हैं, इस लक्ष्य को लेकर हमें निरंतरता के साथ अपने जीवन में जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने सपने को जीवित रखना चाहिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारत रत्न सीवी रमन, जिनको भारत के अंदर, एशिया के अंदर फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल प्राइज़ मिला, उनकी आज जन्म जयंती है। और उन्होंने, और इसी तरह से कलकत्ता के और बहुत सारे महान वैज्ञानिकों ने अपने जीवन को विज्ञान के लिए समर्पित किया, विज्ञान की खोजों के माध्यम से मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। और आज इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में हम अपने उस महान वैज्ञानिक सीवी रमन की पवित्र स्मृति को, उनकी जयंती पर हम प्रणाम कर रहे हैं। इसी महीने के अंदर उनकी पुण्यतिथि भी जो है इसी महीने के अंदर आएगी, आचार्य जगदीश चंद्र बोस की जन्म जयंती भी इसी महीने के अंदर आएगी। और ये कलकत्ता शहर तो वैज्ञानिकों के लिए प्रसिद्ध है, क्रांतिकारियों के लिए प्रसिद्ध है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के लिए प्रसिद्ध है, ये स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परम हंस के लिए समर्पित है, उनके नाम से जाना जाता है ये सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से इस शहर की पहचान है। और इस शहर के अंदर डॉक्टर हेडगेवार जैसे महान संगठनकर्ता ने अपनी MBBS की पढ़ाई की है, तो बहुत पवित्र स्थान है। फेस्टिवल में इस पवित्र स्थान पे अपने इस आयोजन को करके हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने वैज्ञानिकों की योग्यता और क्षमता के आधार पर अपने सभी दिव्यांग भाइयों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ
कि विज्ञान का और उसकी विजडम का एक महत्वपूर्ण अंश हम दिव्यांग जनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित करेंगे, ये हमारे वैज्ञानिकों का संकल्प है। यही संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आप सब जानते हैं कि दिव्यांग जनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने तरह तरह की सुविधाओं को, तरह तरह के कानूनों को विकसित कर, उनको परिवर्तित कर, उनके प्रति अपने समर्पण भाव को प्रदर्शित किया है और समाज के लोगों से भी उनकी यही अपेक्षा है कि वो दिव्यांग जनों के जीवन को और बेहतर और अधिक संवेदनशील भाव से करने के लिए जुटे। व्यक्तिगत तौर पर तो मैं अपनी सोच के अनुरूप दिव्यांग उसको मानता हूँ जो शायद शरीर से तो ठीक है लेकिन अपनी सोच से विकलांग है, और जो जिसके शरीर में कोई शारीरिक कमी है उसको वो विकलांग समझता है। मैं समझता हूँ ऐसी सोच वाला वास्तव में विकलांग है, क्योंकि दिव्यांग जनों ने तो शायद समाज के अच्छे खासे हृष्ट पृष्ट लोगों से भी ज़्यादा उत्साह के साथ इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करके दिखाई है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमने देखे हैं, ऐसी ऐसी उनकी प्रतिभाएं देखी हैं, जो पदक जीते गए हैं उनको देखा है, तो आप में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं, जज्बा भरपूर है। ये हमारा नौजवान जो यहाँ सामने बैठा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, अपूर्व, इतनी ऐसी ऐसी ये तस्वीरें बना के हमारे पास लाता है कि हम सोच नहीं सकते, और हर थोड़े दिन के बाद आ जाता है। हम लोग का उत्साह जो है वो हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा तो उत्साह जीवन में जीने का इसके पास है, नए नए काम करने का इसके बाद उत्साह है, और हर बार ये नए योजना लेकर आता है। और ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं। दिव्यांग जनों के प्रति मेरे मन में विशेष रूप से और भी ज़्यादा मोह का और श्रद्धा का भाव इसलिए भी है कि मैंने अपना सार्वजनिक जीवन 25 साल पहले जब शुरू किया 1993 में, तो 17 दिन के बाद मुझे इस बात का आभास हुआ कि दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे भारत के अंदर होते हैं, और वैज्ञानिक पद्धति होने के बावजूद भी सारी दुनिया पोलियो की जंग, पोलियो के खिलाफ जंग को जीतने के लिए सोचती है, तो भारत के अंदर कोई इसके बारे में विचार भी नहीं करता। और तब मुझे भी भगवान की कृपा से पोलियो जैसी बीमारी जो लोगों को अपंग करती है, अपाहिज करती है, इसको जड़ से समाप्त करने का सपना पैदा हुआ 20 तारीख दिसंबर 1993 को, और अगले 2 दशक तक उस सपने को साकार करने के लिए कि जिस प्रकार से चेचक को भारत ने जड़ से समाप्त किया, दुनिया ने जड़ से समाप्त किया, ऐसे पोलियो की बीमारी को भी हमें जड़ से समाप्त करना है, उसके खिलाफ युद्ध को जीतना है। और 20 साल लगातार उसके ऊपर काम करने का मौका मिला, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, भारत में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सलाहकार के रूप में, और देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर। और आज मुझे खुशी है कि जो बच्चे
अपाहिज हो गए, अपंग हो गए, उनको तो हम लोग शायद दोबारा से ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब कम से कम भारत के अंदर, जहाँ दुनिया के 60% लाखों मिलियंस की तादाद में अपंग और अपाहिज बच्चे होते थे, अब उस बीमारी को हम लोग जड़ से समाप्त कर चुके हैं। उस बीमारी का इरेडिकेशन हम लोग भारत के अंदर कर चुके हैं। उस बीमारी को जड़ से समाप्त करने का सर्टिफिकेशन हमको भारत में मिल चुका है। और जो सबसे अंतिम बच्चा भारत के अंदर पोलियो से अपंग और अपाहिज हुआ, वो दुर्भाग्य से हमारे इसी वेस्ट बंगाल के अंदर हावड़ा के पास 2011 में 13 जनवरी को हुआ था। उस बात को भी अभी लगभग 8-9 साल हो गया है, उसके बाद से कोई बच्चा भारत के अंदर अपंग और अपाहिज नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि ये जो किसी भी कारण से अपंग होते हैं, अपाहिज होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, इनके प्रति मेरे मन में एक विशेष, और हम सबके ही मन में है, विशेष संवेदनशीलता का भाव है। जितना भी हम सब विज्ञान के माध्यम से इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेंगे, उसका अधिक से अधिक पुण्य लाभ और आशीर्वाद हमको भगवान के माध्यम से मिलेगा। इसी भाव से हम सब वैज्ञानिकों को इस जो हमारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज कन्क्लेव है, और जो दिव्यांग जन के लिए एक्सपो लगाया गया है, उसके अंदर हमारा जो समर्पण और कंट्रीब्यूशन है, उसी भाव से होना चाहिए। मैं सभी दिव्यांग जनों को उनके उत्साह के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके संतोष के लिए, और उनके जीवन में जिस प्रकार की कठिनाई के बावजूद भी वो जिस प्रकार से मुस्कुराहट लेकर जी रहे हैं, वो हम समझते हैं कि बाकी हम सब लोगों के लिए भी वो एक प्रकार की बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं सबके अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, जो यहाँ हमारे महानुभाव एक्सपर्ट लोग बैठे हैं मंच पर, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में इस आयोजन को करके इस हमारे फेस्टिवल की गरिमा को और इस फेस्टिवल की सात्विकता को भी बढ़ाया है। तो ये आप लोग तो यंग उम्र में ही उत्साह के साथ, जिसने स्टार्टअप शुरू कर दिया इस उम्र में, या इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, या इसके बारे में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तो हम समझते हैं कि जैसे कहते हैं कि लाइफ के लिए मतलब वेल बिगेन इज हाफ डन, इट्स लाइक दैट ओनली। और आपके लिए भी जो है लाइफ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये शुरुआत हो जाती है। सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, और यहाँ पराशर साहब भी है, सब लोग हैं, और सब आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, कुछ CSIR के साइंटिस्ट लोग हैं, ऑलरेडी स्टार्टअप मूवमेंट के साथ आप जुड़ चुके हैं। दो दिन से लगातार, जैसा बताया गया कि इस मूवमेंट के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स को आपने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। मैं केवल इतना आपको कहूँगा कि इस समय भारत के इतिहास में एक प्रकार से ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। एक असाधारण योग्यता और प्रतिभा वाले, और जिनको भारत के नौजवानों की योग्यता और पोटेंशियल पर असाधारण विश्वास है, ऐसे प्रधानमंत्री भारत के अंदर इस समय नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। और वो दो तीन बातें समझते हैं कि देश को 70 साल के बाद आज़ादी के
कोई भी तकलीफ से अब ग्रसित नहीं रहना चाहिए, और 70 साल के बाद भी अगर लोगों की तकलीफ है तो उसका समाधान करने के लिए हमको बहुत गहराई से प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सारे देश के लोगों को उस काम के अंदर लगना चाहिए, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल्स को विशेष रूप से लगना चाहिए, और उसमें भी जो क्षमता है और जो विजन सबसे ज़्यादा हो सकता है, भले ही उम्र कम हो, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे नौजवानों में हो सकता है, ऐसा भी प्रधानमंत्री जी जानते हैं, समझते हैं, और लगातार, इसलिए आप जानते हैं कि उन्होंने 5 साल पहले ही आते ही ये स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया का बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। पहले ही साल में 10,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए रखा, और पिछले 5 साल में मैं जानता हूँ कि कई हज़ार स्टार्टअप्स को तो हमारे केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने उनको मदद किया। आप तो सब बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, विज्ञान की लेबॉर्टरी में काम करते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, फॉर्मल जिसने एजुकेशन भी नहीं लिया है, लेकिन उसके पास दिमाग में कोई आइडिया है, वो आइडिया से कोई समस्या का सॉल्यूशन निकालना चाहता है, तो ऐसे जो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं है उन लोगों के पीछे भी, भले ही वो गांव में हो, वो किसी जे क्लस्टर में हो, वो किसी ट्राइबल एरिया में हो, दूर दराज के अंदर हो, जहाँ शायद कोई नहीं पहुँचता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहाँ बिजली का खंभा पहुँचा दिया है, टेलीफोन की, इंटरनेट की लाइनें पहुँचा दी हैं, हर घर में वहाँ बिजली पहुँचा दी है, वहाँ पे अब वो हर घर में पानी की लाइन पहुँचाना चाहते हैं। तो ऐसे स्थान पर भी अगर किसी के पास राइट आइडिया है माइंड में, तो उस आइडिया के साथ वो पूरी सरकार भारत की पूरे ताकत के साथ खड़ी हुई है। अब को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये ऐसे सारे एम्बिशियस सोचने वाले, भविष्य के लिए सपना अपने जीवन में संजोने वाले, देश के लिए कुछ करने वाले, देश की समस्याओं का समाधान अपनी पढ़ाई लिखाई के कर्तव्य से निकालने वाले लोगों के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म है, और सारा देश एक दिशा में सोचे, इसलिए यहाँ पर हम विद्यार्थी को भी बुलाते हैं, इंजीनियर को भी बुलाते हैं, वैज्ञानिक को भी बुलाते हैं, बुज़ुर्ग एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को भी बुलाते हैं, IIT के डायरेक्टर को भी बुलाते हैं, साइंस की लैब के डायरेक्टर को भी बुलाते हैं, आपके जैसे यंग माइंड को भी बुलाते हैं, इनोवेटर जो एस्टैब्लिश हो गया है उसको भी बुलाते हैं, और सबको बुलाकर हम एक छत के नीचे जो है बातचीत कराते हैं, विचार विमर्श कराते हैं, कि हम सब मिलजुल कर देश की समस्याओं को समझें, उनके समाधान के लिए हम अपनी पढ़ाई लिखाई का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम सारा का सारा इस्तेमाल करें। अभी तो स्टार्टअप का जो आंदोलन है वो भारत में बहुत अभूतपूर्व उसने पिछले 5 साल में प्रगति की है, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स को जानता हूँ जो सरकार की मदद से खड़े हुए, लेकिन आज वो बहुत, जिसे कहते हैं कि इतने ही समय में सीड से शुरू होके वट वृक्ष बन गए हैं 5 साल के अंदर ही जो है। किसी सरकार की सहायता की ज़रूरत नहीं है, किसी सरकार की तरफ वो देखते नहीं हैं, लेकिन सरकार जो है आपके हर एक आइडिया जो आपके माइंड में जर्मिनेट करता है उसको पूरी तरह से पल्लवित, पुष्पित, विकसित करने के लिए आपके पीछे खड़ी है,
और इसीलिए हम लोग आजकल बोलते हैं कि अभी दिमाग के अंदर अगर आइडिया है तो आप उस आदमी से बहुत बड़े हैं जिसके पास बहुत ढेर सारा पैसा हो सकता है। इकोनॉमी जो है वो आज आइडिया की इकोनॉमी है, जिसके पास आइडिया है वो वास्तव में बाकी दूसरे के मुकाबले जिसकी जेब में बहुत पैसा है बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसके पास नई सोच विकसित करने का जो है लगातार चिंतन करते हुए। एक होता है कि पढ़ाई किया, इम्तहान दिया, पढ़ाई भी समाप्त, इम्तहान भी समाप्त, डिग्री आ गई, उसके बाद काम ख़त्म। एक है कि जो पढ़ाई ब्लैक बोर्ड से सीखा उसी समय से दिमाग हमारा चलता शुरू हो जाए कि इस पढ़ाई का इस्तेमाल कैसे करना है, इस पढ़ाई का मुझे लाभ कैसे, और इस पढ़ाई के माध्यम से अपना तो भला करना ही है, अपने लिए तो चिंता करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा देश और समाज की कैसे चिंता करनी है। और वही है इनोवेशन, वही है इनोवेशन का कोफिशेंट, वो आपको सबको विकसित करना है। मैं समझता हूँ कि अगर आप सबने अपने जीवन में अपने लिए कोई ना कोई सपना अगर पाल लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। बिना सपने के, बिना लक्ष्य के आपकी पढ़ाई का कोई मायने नहीं है, आपके जीवन का कोई मायने नहीं है। एक गोल ज़रूर निर्धारित करिए। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ एक्सपो में देखने को मिलेंगी, इतने सारे भाषण सुनने को मिलेंगे, इतने सारे लोगों के दूसरों के काम को देखने का मौका मिलेगा, तो कोई एक विषय जो आपका अपना विषय है उसके साथ अपने को जोड़कर कोई एक लक्ष्य और एक सपना आप अपने जीवन के लिए ज़रूर विकसित करिए। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पता नहीं जानते कि नहीं जानते, लेकिन मैंने जब 25 साल पहले अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया तो मुझको दो चार लोगों से मिलने के बाद भारत को पूरी तरह से पोलियो मुक्त करने का सपना मेरे जीवन के अंदर एक दिन रात को पैदा हो गया, जिस दिन दिन में मुझे पता लगा कि दुनिया के 60% बच्चे जो पोलियो मुक्त हैं वो भारत के अंदर निवास करते हैं। और फिर जब उस सपने पे काम करना शुरू किया तो आप ही की तरह के चार लोगों के साथ मिलके काम करना शुरू किया, और देखते ही देखते उस सपने को साकार करने के लिए जो पल्स पोलियो अभियान है उसको पहले दिल्ली में, और जब दिल्ली में सफलतापूर्वक किया तो वो फिर भारत के अंदर 1995 में, और फिर भारत ने किया तो फिर सारा दक्षिण पूर्व एशिया उसके साथ जुड़ गया, और जब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया जुड़ गया तो उसके साथ फिर नेल्सन मंडेला अफ्रीका के जुड़ गए, और देखते ही देखते जो सपना था उसको साकार करने के लिए सारी दुनिया जो है साथ में खड़ी हो गई। तो मैं ये उदाहरण इसलिए नहीं दिया आपको कि ये सपना, अपना सपना आपसे शेयर करना था। अभी आज तो पूरा भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, आपका जो ये कलकत्ता है, ये जो हावड़ा है, यहाँ पर ही भारत का आखिरी पोलियोग्रस्त बच्चा वो 13 जनवरी 2011 को हुआ था, उसके बाद भारत में कोई बच्चा पोलियो नहीं हुआ। कुछ काम को सारे देश को मदद मिला, सारे देश की मदद मिली, सारे देश ने मिलकर किया, लेकिन उस सपने को देखने का और उस सपने को साकार होता हुआ देखकर उसका आनंद लेने का वो सौभाग्य केवल मुझको प्राप्त है। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक कोई अपने जीवन के लक्ष्य और सपना ज़रूर तय करिए, उसके ऊपर अपने जीवन को समर्पित करिए। ये कलकत्ता शहर जो है ये बहुत महान शहर है। आज तो भारत रत्न सीवी रमन, जिन्होंने भारत के लिए नोबेल प्राइज़ लिया, उनकी जन्म जयंती है। उन्होंने कलकत्ता के अंदर भी काम किया है,
यहाँ आचार्य जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, पीसी रे, मेघनाथ सहाय जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है, और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे महान गुरु उनके, वो सब लोगों की ये कर्म भूमि रही है। आप जब कलकत्ता आए हैं तो वो जगह देख कर आइएगा जहाँ स्वामी विवेकानंद ने काम किया, जहाँ रामकृष्ण परमहंस का आश्रम है। ये सब स्थान जो है, आपको इस स्थान की जो महत्व है उसके बारे में, इसकी पवित्रता के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर और सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, बहुत सारे लोग इस पवित्र धरती से देश के अंदर, बोलते बंगाल के क्रांतिकारी, यानी बंगाल के क्रांतिकारी ये एक प्रकार से अलग से एक एंटिटी है। तो ये बहुत पवित्र जगह है। आपको बोला कि जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब लोग जीते हुए भी मृतक के समान हैं। तो आप भी अपने जीवन को दूसरों के हित के लिए विज्ञान का कैसे प्रयोग करके हम नई नई खोज कर सकते हैं, इसके ऊपर समर्पित करने का अगर यहाँ से स्वप्न और उसका बीज आप पैदा करके जाएंगे, तो हमको लगेगा कि ये जो हमने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को प्रारंभ करने की प्रक्रिया 5 साल पहले शुरू की, ये सफल डायरेक्शन में और दिशा में आगे बढ़ रही है। तो मैं आज तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और भी लोगों से मिलना है आपकी तरह, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भगवान आपको सबको आशीर्वाद दे, आपको नए नए लक्ष्य लेकर नई नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिले, आपके स्टार्टअप्स जो है वो बहुत प्रभावी बने, और निरंतरता के साथ आप आने वाले समय में देश के बड़े वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर बनने के लिए प्रयासरत रहें। मेरी आपको सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।